नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। जहां एक ओर सत्ता पक्ष की तरफ से योगी मॉडल को अपनाने की बात कह दी गई है बढ़ते अपराध को लेकर के, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इसकी कड़ी आलोचना कर दी गई है और ये कहा है कि ये देश गांधी और लोहिया का देश है, यहां पर कोई भी योगी मॉडल को अपनाने की जरूरत नहीं। अगर बिहार पुलिस को अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा इक्विपमेंट दिया जाए तो वो अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक आलोक मेहता, जरा आप वो सुनिए। जायसवाल जी का कहना है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अब अपराधियों की गाड़ी पलटेगी। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा, उसका क्या मतलब है, लेकिन उनका यदि मतलब है कि मतलब एकदम कम करने पे कुछ काम करने, अपराध कम करने के जो तरीके हैं अतिवादियों के तरीके पर जाना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वह यह देश गांधी लोहिया और कर्पूरी की है और यहाँ के विचार, यहाँ की मिट्टी बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए अतिवादियों वाली सोच जो है उसको त्याग कर और अपराध के नियंत्रण पर, नियंत्रण दो तरह से हो सकता है, प्रिवेंशन से, यानी कि आप अपराध के कारणों को नहीं चल रहा है। उनका कहना है कि अगर अपराधी की स्पीड बढ़ेगी तो उनकी गाड़ी पलटेगी, यानी अब योगी मॉडल मैंने स्पीड से कुछ नियंत्रित स्पीड से चलते रहना चाहिए, ये इसकी इजाज़त दे रहे हैं क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि शराब माफिया पुलिस पर अटैक कर रहा है तो आप शराब माफियों को नियंत्रित कीजिए ना, तब ना फिर पहले अपराध ही नहीं होगा, और जब अपराध हो गया तो उसके बाद जो जेन्युइनली जो अपराध किया उसको पकड़ने का है मामला, उसको सजा दिलाने का, उस मोर्चे पर अपराध ना। मैं कह रहा हूँ कि विगत दिनों में अपराधियों को छुड़ाया गया, अपराधियों को बचाया गया, इस कारस्तानी से बाज आवे और जो प्रिवेंशन होता है अपराध रोकने का प्रयास, उस पर उनको एम्फेसाइज करना चाहिए, तब अपराध रुक जाएगा या कम जाएगा। तो आप ये दो काम कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं गुड गवर्नेंस। अरे ये क्या मतलब? पवन जायसवाल जी का कहना है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, उनको ठीक करना होगा। आपको लगता है कि अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं? यहाँ गैंग वार थोड़े कराना है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पुलिस और प्रशासन को मैंने दुरुस्त करने के लिए उठा रहे कि पुलिस सक्षम नहीं, 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 मैं सरकार पर सवाल उठा रहा हूँ कि पुलिस को पूरा आधुनिक हथियार गाड़ी से लैस नहीं कर पा रही है सरकार, इसलिए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है और उसको मोटिवेशन नहीं दे पा रही है, इसकी वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। जी, तो आपने सुना आलोक मेहता को, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आलोक मेहता की इस सलाह को सरकार मानेगी या फिर अपराध जो है बिहार में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या फिर कुछ उसमें कमी आएगी, उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। ये तमाम चीजों को देखना बहुत अहम होगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।